मकर संक्रांति के पावन पर्व पर कामगार यूनियन की ओर से कार्यकर्ताओं का परिसंवाद सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विख्यात कामगार नेता अभिजीत राणे जी के साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल थत्ते ने दस्तक दी। धड़क कामगार यूनियन के इस परिसंवाद कार्यक्रम में हर किसी ने अपने संवाद के जरिए अपनी बात रखने की कोशिश की। इस कार्यक्रम में मुंबई के अलावा ठाणे पालघर के धड़क कामगार यूनियन के कार्यकर्ताओं ने दस्तक दी थी। आपको बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार अनिल थत्ते ने कहा कि यह यूनियन एक दिन बहुत आगे जाएगी, क्योंकि यह यूनियन नहीं एक परिवार है, और जब परिवार एक साथ हो तो किसी की ताकत नहीं तो उसे पीछे कर दे। तो वही विख्यात कामगार नेता अभिजीत राणे ने कहा कि यदि उनको यूं ही साथ मिलता रहा तो वह हर किसी को अभिजीत राणे बनाने की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। त्याबद्दल धडक कामगार युनियनचा महासचिव म्हणून आपल्याला सर्वांनाच मकर संक्रांतीच्या खूप खूप शुभेच्छा। मला कित्येक मोसीन शेख नावाचा माझ्याबरोबर 24 तास फिरणारा एक मुलगा आहे, एवढा ॲग्रेसिव्ह आहे, एवढा असा ॲटिट्यूड असतो त्याला की तो कोणीतरी मोठा शाणा आहे असला पाहिजे। मी कोणतरी आहे ही भावना जोपर्यंत तुमच्या मनात नसेल तोपर्यंत तुम्ही यशस्वी होऊ शकत। आमचा विनय डोळस आमच्या ऑफिसमध्ये आलेल्या माणसाला कधीच प्रेमाने बोलत नाही, काय कोण किधर। अरे माणूस आपल्याकडे येतोय काहीतरी होण्याकरता, तुम्ही त्याला प्रेमाने त्याला विचारा काय कस किधर था, राष्ट्रवादी में था क्या किया तुझे उधर, चार कार्यकर्ता है तेरे पास, मुझे था इंटरव्यू असले पाहिजे, जशी लोक सुद्धा असली पाहिजे। जो समजा बांद्रा असेल तर खालिद बाबू कुरेशी माझे चांगले मित्र आहेत, ते अपने शिष्य की वजह से जाना जाता है, और जिसका शिष्य बड़ा होता है वही गुरु को बड़ापन मिलता है। आज मुझे बहुत गर्व और अभिमान महसूस हो रहा है, जिस तरह से आज अभिजीत ने भाषण किया, मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे यूनियन लीडर के अच्छे अच्छे भाषण सुने हैं, पर इट वॉज वर्स्ट बस बेस्ट ऑफ इट एंड मास्टरपीस था। तो जिस प्रकार से उसने मैंने देखा है पिछले 10 साल में प्रगति की है, मैं पूरी उसको शुभेच्छा देता हूँ, और एक बड़ा नेता के रूप में वो उभर रहा है, और एक दिन जिस स्टेटस पर जॉर्ज फर्नांडिस वगैरह थे उस मुकाम तक वो पहुंचेगा, ऐसे मैं उसको शुभकामना देता हूं। धन्यवाद सर, आपके सीनियर हैं सर, क्या टिप्स देंगे सर को, आप क्या टिप्स देना चाहेंगे सर? अभी शिष्याद इच्छेत पराजयम, ऐसे गुरु की वाक्य है, वैसे अभी वो इतना आगे चल चुका है कि वो मुझे ये क्षेत्र में कुछ टिप दे सकता है, ऐसा मुझे लगता है। लगता है कि हरेक में कुछ गुण थे, वो सबका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जैसे शरद राव में कंसिस्टेंसी थी, दत्ता सामंत में एग्रेसिवनेस था, दत्ताजी साड़वी में एक मैच्योरिटी थी, जॉर्ज फर्नांडिस साहब में एक पेशेंस और उसके साथ साथ लंबी लड़ाई की तैयारी थी। इस सब का कॉम्बिनेशन उसको सीखना पड़ेगा, इनका अभ्यास करना पड़ेगा। ये यूनियन लीडर कैसे बने, उन्होंने कैसे अपने इश्यूज का ये किया, हैंडल किए, तो मेरे ख्याल से उसका एक अच्छा सा रसायन उसका बन सकता है। निश्चित तौर पर मुंबई, नवी मुंबई ठाणे मध्ये
धड़क कामगार युनियन आणि धड़क कामगार युनियनशी निगडीत असलेल्या अन्य युनियन्स जे जवळपास 3,000-3,500 कार्यकर्ते अधिकृतरित्या आहेत आणि त्या सर्व कार्यकर्त्यांना मला भेटण्याचं होतं, भेटण्याचा योग मिळत नव्हता आणि म्हणून मकर संक्रांतीचा एक वैशिष्ट्य साधून आज त्यांच्याशी एक परिसंवाद आणि येणाऱ्या काळामध्ये त्या सर्व कार्यकर्त्यांबरोबर एक नवीन प्लॅन ऑफ ॲक्शन घेऊन त्या सर्व कार्यकर्त्यांबरोबर एक वेगळ्या ताकदीने काम करण्याकरताचा एक परिसंवाद करायचा होता. म्हणून या ठिकाणी एक कार्यकर्ता मार्गदर्शन शिबिराचं आपण आयोजन केलं आणि मला अत्यंत आनंद होतो आहे की अपेक्षेपेक्षा जास्त प्रतिसाद आम्हाला मिळाला. आम्हाला आज मार्गदर्शन करणारे आमचे ज्येष्ठ गुरुवर्य अनिल थत्ते सर, त्याचबरोबर बिझनेसमध्ये मॅनेजमेंट गुरु म्हणून ओळखले जाणारे असे काही तज्ज्ञ मंडळी या ठिकाणी आज बऱ्याचशा आमच्या कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन दिलं आणि वेळ कमी असल्यामुळे जास्त काही आपल्याला आज काही करता आलं नाही. पण आता 1-2 दिवस 3 दिवस 4 दिवस असं सिरीजमध्ये आपण कार्यक्रम करणार आहोत. मी एवढंच सांगेन की आजच्या या दिवसामध्ये आमच्याबरोबर असलेले जे कार्यकर्ते निगडीत आहेत ते एका पॉझिटिव्ह विचारधारेने इथून जात असताना त्यांच्या मनात मी एक कामगार नेता आहे आणि मला काहीतरी कामगारांसाठी करायचं आहे या भावनेने आज तो त्या भावनेने पेठून इथून बाहेर जाणार आहे. सबसे पहले हमारे भाई अभिजीत राणे जी को और उनके धड़क कामगार यूनियन के सभी मेंबरान को और सभी अहदेदारान को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने इतना बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा और इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया. जैसे कि हमारे भाई ने कहा कि यहाँ से जो भी आज कार्यकर्ता, जो भी आज कामगार यहाँ से निकलेगा वो ये समझ के निकलेगा कि मैं अभिजीत राणे हूँ. तो इससे ये जो लेबर मूवमेंट होता है इसको बहुत ताकत मिलेगी. मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ. यूनियन जिंदाबाद, धड़क कामगार यूनियन जिंदाबाद, कामगार एक जुटीचा, कामगार एक जुटीचा.